हेलो भाई, उन बवार आज हम चलाने वाले हैं एक ऐसी कार जिसको चलाने का मेरे को बहुत दिनों से वेट था भाई। और आप लोग भी बहुत होंगे जो सोचते होंगे कि हमको भी मौका मिले महिंद्रा थार को ड्राइव करने के लिए। इन्होंने कार ली है, आप इनका ओनरशिप रिव्यू देख चुके हैं, ये क्या सोचते हैं इस कार के बारे में। तो आज हम देखेंगे कि थार कैसी है चलने में और कैसा मजा आता है, लोग क्यों खरीदते हैं इसको इतना ज्यादा। तो सबसे पहले अगर हम इंजन नॉइस की बात कर लें, हम डीजल इंजन आज इसमें चलाने वाले हैं मैनुअल। तो यार काफ़ी रिफाइनमेंट है, जैसे डीजल इंजन आवाज़ करते हैं ना तो उस हिसाब से करता नहीं, हालांकि BS6 है लेकिन इंजन नॉइज़ के हिसाब से भाई सही है। इतनी ज़्यादा कोई इंजन नॉइज़ इसमें अपने को नहीं मिलती। थोड़ी पावर फिगर्स की अगर बात ली जाए तो 130 हॉर्स पावर, 300 Nm का इसमें टॉर्क मिलता है। हैंड ब्रेक डाउन करते हैं, इसमें हमने 2 HP कर रखा है। यहाँ पे इसमें गियर नॉब मिल जाता है, यहाँ पे अपने मिलते हैं इसमें 6 गियर। इसमें अपने को स्पीड ही पता चलती रहती है, फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर। अच्छा 1500 RPM के बाद ना, इनिशियली अगर मैं आपको बताऊं, 1500 RPM को जैसी कार क्रॉस करती है तो केबिन में नॉइज आने लग जाती है और हमारे जो विंडोज हैं वो भी पूरी की पूरी अप हो रखी हैं। तो नॉइज तो थोड़ी सी है लेकिन इसमें स्पीकर क्वालिटी जो आपको मिलती है ना वो बहुत बेहतरीन है। अगर आप इसको लाउड म्यूजिक पे चलाते हैं तो आपको ये जो इंजन नॉइज है वो आप इग्नोर कर दोगे। बाकी 2000 RPM के बाद भी इसमें आवाज़ आने लग जाती है। बाकी जैसे ये ब्रेकर आया है तो हाँ, थोड़े सस्पेंशन हल्के से स्टेप तो आपको लगेंगे क्योंकि ऑफ रोडिंग व्हीकल है उस, लेकिन देखो डीजल इंजन है ना, नॉइज़ बेसक हो लेकिन वाइब्रेशन नहीं है इसमें। तो वाइब्रेशन होती है जैसे स्कॉर्पियो अगर आपने ड्राइव करी हो तो गियर नॉब पे अगर हम हाथ रखते हैं तो उसमें पूरा हलने लग जाता है, वो वाला सीन इसमें नहीं है। नॉइज़ है, नॉइज़ तो ज़रूर है इसमें हाँ, और आपको सस्पेंशन स्टेप मिलते हैं। दूसरे गियर में चढ़ जाती है ये 60, उसके बाद आवाज आप सुनी सकते हैं। और हॉर्न देखो भाई, हॉर्न भी बहुत अच्छा है इसका। अब ऐसी बड़ी गाड़ी आप चला रहे हैं तो हॉर्न तो आपको बिल्कुल बढ़िया चाहिए ही, लोग वैसे खुद ही अट जाते होंगे इसको देख के। तो अच्छा इसका ये जो स्टेयरिंग व्हील की अगर बात करें तो ऑटोमेटिकली एक जगह अपनी उस लोकेशन पे नहीं आ जाती जैसे हम दूसरी कार्स में देखते हैं, ये अपने को नो मैनुअली करना पड़ता है। आता तो है लेकिन धीरे धीरे, इतने में तो गाड़ी ठुक जाए तो अपने को वो करना पड़ता है। ये टॉर्क वगैरह भी आपको यहीं पे दिखता रहता है, इसमें 300 Nm का टॉर्क आता है। पावर क्या डिलीवर हो रही है अभी फिलहाल वो भी इसमें ये बताता रहता है। तो काफ़ी एक सही लाइफस्टाइल व्हीकल भी अगर आप इसको लेते हैं ना तो उसमें भी निराश नहीं करेगी। अगर मेन चीज़ एक और की बात करें ना तो इसमें जो विजिबिलिटी है ना वो महिंद्रा थार को बेस्ट बना देती है। आदमी बहुत ज़्यादा ऊँचा बैठता है इसमें और बोनट पूरा विजिबल है, पूरा अपने को दिख रहा है कि भाई आगे क्या है। अपना ट्रैफिक वगैरह के हिसाब से भी काफ़ी सही है। बाकी अभी देखो आप इंजन नॉइज़ क्या है इसमें मिलती है। अभी ब्रेकिंग की बात करते हैं, अभी कार 50 पे है तो ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी है भाई। फ्रंट में इसमें मिलते हैं डिस्क ब्रेक, पीछे की तरफ इसमें ड्रम ब्रेक दी गई है। बाकी इंजन नॉइज़ से अगर मैं बात करूँ ना, वही एक चीज़ मेरे को इसकी अभी तक ख़राब लग रही है, वो अगर आप इसको लॉन्ग टर्म में चलाते रहेंगे तो उसकी आपको आदत हो जाएगी। अगर आप एक ऐसी कार लगाते हैं जो कि साइलेंट है तो आपको ये चीज़ थोड़ी और लगेगी, वरना अगर आपने जैसे स्कॉर्पियो वगैरह चला रहे हैं उससे आप शिफ्ट कर रहे हैं या फॉर्च्यूनर वगैरह और इसको सेकेंडरी व्हीकल ले रहे हैं तो आपको ये चीज़ बिल्कुल इरीटेटिंग नहीं लगनी चाहिए। लेकिन अगर आपको ये एक ऐसी कार चलाते हैं जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रिफाइंड उसका डीजल इंजन है तो तब आपको थोड़ी सी इरीटेटिंग लग सकती है। बाकी थोड़े स्टेयरिंग की ये बात करूँ ना मैं तो किसी पॉइंट पे तो ये हार्ड होता है, किसी पॉइंट पे चल जाता है। अभी थार के बारे में मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, जैसे अभी अपने को इसमें बंदे बिठाने, चल चलते और बात करेंगे तो पहले इनको जो हमारा को पैसेंजर है उनको उतरना पड़ेगा, फिर उनको एंट्री लेनी पड़ेगी, तब जाके फिर वो दोबारा बंदे बैठेंगे। तो इन भाई साहब मिल रखे हैं जिन्होंने आपको बताया था कि इसमें 5 लोग आ सकते हैं नहीं, तो इस तरीके से एंट्री होती है महिंद्रा थार के अंदर, ये आप देख रहे हैं इस तरीके से। फिर अपने को बंद कर लेनी है। बाकी ब्रेकिंग अच्छी है भाई, अभी तक ब्रेकिंग अच्छी लगी। और अभी थोड़ा एक्सेलरेशन इसका करके देखेंगे। बाकी अब भाई हम इसको ले आए हैं जहाँ पे भीड़ भाड़ वाला इलाका है। एक खास चीज मैं आपको इसको बताना चाहूंगा, एक मिनट, जो इसके ORVMs है ना वो बहुत बड़े हैं भाई, आपको पीछे का पूरा व्यू मिलता है, ये बहुत सही चीज है महिंद्रा थार के बारे में। अपना दोनों ORVMs काफी बड़े हैं और ये ऐसे ना हो के ऐसे हैं, इस तरीके से बड़े हैं तो आपको पूरा बड़ा व्यू मिलता है। अभी तो अभी हमें सिक्स्थ गियर में देखते हैं कार की परफॉर्मेंस कैसी है। अगर अपने को
से कोई शार्प टर्न लेना है तो स्टेयरिंग काफ़ी रिस्पॉन्सिव है भाई इसका। ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत भी आपको ऐसा मिलता है कि अनरिस्पॉन्सिव है। आप जैसे थोड़ा सा भी इधर उधर करते हैं ना तो स्टेयरिंग अपना रिस्पॉन्स करता है। अच्छा भाई अब जैसे देखो हम ट्रैफिक एरिया में हैं थोड़ा सा, तो मैं आपको कुछ बताऊं। जैसे अगर आप ये सोचते हैं ना कि थार में बिल्कुल जैसे एक तो है नॉर्मल अपनी एसयूवी हो गई, फिर ये एक थोड़ी ऑफ रोडिंग अलग टाइप व्हीकल है, इसमें दो डोर आते हैं, पांच डोर का कोई ऑप्शन नहीं है। तो अगर आप ये सोचते हैं ना कि बिल्कुल इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग हुआ, तो ऐसा नहीं है। अगर आप एक वैसे भी फर्स्ट व्हीकल भी अपना सोच रहे हैं इसको, तो आपको नॉर्मल ही लगेगी चलाने में, बस वो अपना अपीयरेंस वगैरह जो इसकी रोड प्रेजेंस है वो बहुत अलग है। बाकी चलाने में आप जैसे इसको थोड़ा बहुत ड्राइव करोगे 5-10 किलोमीटर तो आपको कंफर्टेबल लगने लग जाएगी कार अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और आपने कुछ ऐसा भी नहीं है कि कुछ इसमें बिल्कुल अलग मिलता हो भाई, बहुत सही कार है। विज़न भी बहुत अच्छा है अपना, पूरा ऊपर से लेके नीचे तक पूरा अपने को व्यू मिलता है अपना, कोई दिक्कत ही नहीं है कहीं लग लगा जाए कार अपना। ट्रैफिक में भी अगर कोई आप सीखना भी चाहते हैं ना तो बहुत ईजी पड़ जाएगा आपके लिए SUV थार में बैठ कर अगर आप सीखेंगे। अच्छा जब आप थार लेके आए तो रिश्तेदारों के क्या रिएक्शन थे, फ्रेंड्स वगैरह के? रिश्तेदार तो अभी तक आ रहे हैं जी देखने। अच्छा उन्होंने तो अभी देखने के लिए वेटिंग चल रही है। अच्छा लोगों को कार लेने के लिए वेटिंग है, आपके रिश्तेदारों को देखने के लिए वेटिंग है? रिश्तेदार पड़ोसी फ्रेंड्स सब पूरा एक भाई राइड चाहिए इसके लिए। अच्छा सभी ड्राइव चाहते हैं? हां सभी चाहते हैं। और किसी को पसंद आई है, मेरे फ्रेंड्स हैं तो उन्होंने चला के देखे, उन्होंने भी बुक की है। मतलब अच्छी लगी कार चलाने वाली ना, अब काफी अच्छी है अपने जैसे नॉर्मली हम स्कॉर्पियो वगैरह ड्राइव करते हैं इस तरीके की फील होती है। और सबसे खास बात लंबी नहीं है कार इसकी, अंडर 4 मीटर लेंथ रख रखी है, जो कि अगर कोई बंदा चाहता है कि भाई मेरे को लंबी कार चाहिए, मेरे को पार्किंग स्पेस की दिक्कत है, तो उस हिसाब से भी बढ़िया है अपना। छोटी है और छोटी है लेकिन लगती नहीं, छोटी नहीं है जी, छोटी लेंथ में छोटी है, बाकी विड्थ में जो है बड़ी है। विड्थ में तो बड़ी है लेकिन अंडर 4 मीटर जो बना रखी है तो उस हिसाब से भी आपको पार्किंग स्पेस की भी दिक्कत नहीं है, बढ़िया। क्योंकि नॉर्मली लेंथ की दिक्कत होती है, हाइट तो अपना कितनी बढ़ा लो आप, कितनी बढ़ा लो इस तरीके से। मतलब ब्रेकिंग की अगर बात करें ना तो ब्रेक अगर चारों डिस्क करते तो और मजा आ जाता। बाकी भाई महिंद्रा थार को ड्राइव करके मजा आ गया रियलिटी में, जो उसकी सीटिंग है ना वही किलर है बिल्कुल। बाकी DRL वगैरह आप देख लो सही लगती है, किया से देखो कितनी ऊंची है इसके सामने तो बच्ची लगती है बिल्कुल, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। बहुत सही चॉइस है अपना, 16 लाख में इनके पड़ी है ऑन रोड दिल्ली में। टॉप ब्रांड डीजल मैनुअल, ऑटोमेटिक थोड़ा और एक्सपेंसिव चला जाएगा इसका 1-1.5 लाख रुपए, लेकिन अभी दिखाता हूँ पार्किंग के लिए इसको कितना चाहिए। अंडर 4 मीटर है, देखो सही लगती है, ज़्यादा लंबी नहीं है कार। अभी जैसे इनका कंजेस्टेड एरिया है तो यहाँ पर नॉर्मली आ जाएगी, दिल्ली में तो बहुत ऐसा होता है स्पेस का इशू, लेकिन आ जाएगी। ये देखो भाई कितने मोटे मोटे टायर्स में मिलते हैं, परफेक्ट व्हीकल फॉर ऑफ रोडिंग। ये देखो ना बढ़िया है, तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है इसका ये ज़्यादा ब्राइट और ये कम ब्राइट है, इस तरीके से देखो आराम से पार्क हो जाती है। अब थोड़ा बताता हूँ भाई मेरे को कैसा लगा, देखो उसके बाद क्या में बैठते हैं ना तो एकदम नीचे नीचे लग जाता है, तो अंदाज़ लगा लो थार कितनी ऊँची होगी। तो भाई देखो चलाने में बढ़िया है, अभी जैसे आप जैसी किया भी या गाड़ी से कंपेयर करते हैं तो इनके जैसी वो गाड़ी बिल्कुल भी नहीं है, उसका अलग अपना मजा है और इसका टोटली अपना अलग मजा है। कि जैसे अपने आप जैसे हम स्टेयरिंग काटते हैं तो अपने आप ही एक जगह पे आ जाता है, इनकी ब्रेकिंग थोड़ी बेटर है उससे, हालांकि उसकी भी बढ़िया है लेकिन अगर चारों डिस्क होती तो और बेहतर हो सकता था। बाकी और चीज़ों के बारे में बात करें तो माइलेज वगैरह उसमें डीजल में अगर आप मैनुअल में लेते हैं तो 12-13 किलोमीटर की आपको उसमें आराम से मिल जाएगी। और ऑफ रोडिंग के मामले में तो उस कार का भाई कहना ही क्या, आपको फुल मजे आएंगे अगर आप एक थार खरीदते हैं। हालांकि हमने कोई ऑफ रोडिंग वगैरह तो नहीं करी उससे, हमने बस जैसे नॉर्मल सिटी में ड्राइव करते हैं उस हिसाब से भी कार मेरे को बढ़िया लगी। ऐसा कुछ नहीं लगा कि भाई थार है तो उसका सिटी में चलने का कोई अलग ही वो होगा, आराम से चलती है भाई। आप उसको अगर एक या दो बंदे नॉर्मली चलते हो तो उस हिसाब से भी आप उसको आराम से खरीद सकते हो, जैसे आप नॉर्मली ये कार चलाते हो आपको थार भी ऐसी ही फील होगी। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।